हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितना स्कोर लाना चाहिए सो दैट टू बी ऑन अ सेफर साइड। ऑल्दो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका लेवल कैसा आता है एग्जाम के, उसी के हिसाब से कट ऑफ जज होती है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बताने भी लग गए कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, अभी तक पेपर हुआ नहीं है फिर भी बताने लगे, इट इज फनी अकॉर्डिंग टू मी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, क्या क्या वैकेंसीज थी, वैकेंसी भी इफेक्ट करती है, तो पूरा चीजें इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, जिसको आपको पता होगा, स्टिल मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, पहले आपका होगा सेक्शन वन टेस्ट, ठीक है। उसमें आपको दो मॉड्यूल आते हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट आते हैं, दैट फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, देन इट इज रीजनिंग। तो दोनों में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले एक घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 30 मैथ के 30 रीजनिंग के, ठीक है। लास्ट ईयर दोनों इजी आया था, बट अकॉर्डिंग टू मी इस बार थोड़ा सा मैथ अच्छा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था नए पैटर्न पे। इस बार आपका नया अच्छे से पैटर्न आएगा, तो आप 2017 से 2021 तक के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन सोल्व कर लेना भाई, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। रही बात रीजनिंग की, वो नॉर्मल रहेगी मेरे हिसाब से, जैसी आती है ऐसी आएगी। तो 180 का क्वेश्चन मार्क्स में से आप टारगेट करना है जितने ज्यादा ला पाओ। देखो 160 प्लस तो लेके आना, आपको लग रहा होगा ज्यादा है बट नहीं है ज्यादा, क्योंकि 30 रीजनिंग है, इजी होती है मेरे हिसाब से, टाइम ड्यूएबल होता है, एक घंटे में आप 30 अटेम्प्ट कर लेंगे, बट इनफ मार्क्स आपको देना पड़ेगा। देन आता है एक घंटे बाद, जैसे ही खत्म होता है आपका अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको मिलता है इंग्लिश और जीके, इसमें आपको बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि एक घंटे में आपको इंग्लिश के 45 और जीके के 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आपके 10 मिनट बच जाएगा आराम से, क्योंकि इंग्लिश में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, और जीके में तो यार ऐसा ही कि आता है नहीं आता नहीं आता, अगले में चलो 10 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो देखो ये 45 और आपके 25 यानी कि 70 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 210 नंबर का होता है। तो इसमें आपका टारगेट यार स्टिल देखो जीके किसी के हाथ में नहीं होती, बट 160 से 170 आपको लेके आने चाहिए, इसलिए आप इंग्लिश पे ज्यादा टारगेट करना, ठीक है, क्योंकि 135 मार्क्स का यही हो जाता है। तो 135 में से अगर आप 115 प्लस ला रहे हैं, डिसेंट स्कोर है, डिसेंट बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, डिसेंट है, जितने ज्यादा लाओ यार आपकी बेनिफिट आपके लिए फायदा है, क्योंकि मार्किंग भी ऐसी होगी ना, +3 -1 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, पहले 1/4 होती थी, ठीक है। जीके में आप टारगेट करना है 25 में से 12 से 15 भी अगर आपके सही हो रहे हैं, बहुत डिसेंट है, ठीक है। आपके अगर 36 से 45 नंबर आ रहे हैं, तो आप ऐड करके 170 ले आओगे, और 170 और 160 आपका 320 प्लस हो जाएगा, जिसमें कि आप अगर यूआर कैटेगरी से भी हो ना, तो आपको भी 4200-4600 मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रीम लोकेशन का तो नहीं पता, ड्रीम पोस्ट जरूर मिल जाएगी। देन आपका होता है देखो कंप्यूटर टेस्ट, तो जैसे ही 2 घंटे होते हैं ना, आपका अगेन स्टार्ट हो जाता है 15 मिनट, मतलब 2 घंटे का आपने पूरा मेन पेपर दे दिया, उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है आपका कंप्यूटर का टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे जिनके नंबर आ रहे थे क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 नंबर का एक -1 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको 60 नंबर में से क्वालिफाई करना होता है, जिसकी एक अलग अलग कट ऑफ गई है, इस बार हम देख लेंगे वो। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, 10-15 मिनट पढ़ लिया, बेसिक शॉर्टकट कीज, फंक्शंस, रिफ्रेश कैसे होता है, रीलोड की क्या शॉर्टकट की है, हाइपरलिंक की क्या शॉर्टकट की है, ऐसे शॉर्टकट कीज पढ़ लो, ये आपको हेल्प करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मनोहर पांडे, लूसेंट या फिर अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं बेसिक, ठीक है। देन आपका पेपर खत्म हो जाता है, एंड थोड़ी टाइम बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, तो आप बाहर जाके खाना वाना खा सकते हैं थोड़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद लिखा होता है एडमिट कार्ड में। फिर आपको 10 मिनट मिलते हैं डेमो के लिए, डेमो यानी कि आपको टाइपिंग करनी होती है, तो आप टाइपिंग स्पीड अभी से मेंटेन करके चले, 35 प्लस आप लेके चलना अभी, तो आपको 10 मिनट मिलती है चीज चेक करने के लिए। तो बहुत बच्चे होते हैं पूरा लिख लेते हैं, जो रफ होता है बेसिकली, एक पैसेज दिया होता है तो आपको टाइप करना होता है, तो सबसे बढ़िया क्या, आप कर लो थोड़ा पैसेज टाइप, उसके बाद ना ABCD लिख के जेड तक लिख लेना, उससे क्या होगा आप कीज चेक कर सकते हो कि आपकी सारी कीज चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि ABCD से जेड तक लिखना कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि आप पूरा लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, कोई अभी फर्क नहीं पड़ता 10 मिनट के डेमो में। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 15 मिनट का मेन टेस्ट, उसमें आपको जो भी वर्ड्स होते हैं वो पूरे लिखने होते हैं, पैसेज होते हैं वो पूरा लिखना होता है और सबमिट करना होता है, डुएबल होता है। आप अभी से वो वाला, अगर कोई जिसको टाइपिंग नहीं आती तो आप वो वाला मत सीखना, जो होते हैं ना ASD पूरा ऐसे कीज करके जो होता है, वो वाला मेरे को भी नहीं आता, बट मेरी स्पीड अभी भी 45 प्लस आती है, क्योंकि मेरे को सब देखो सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, सबको पता है कौन सी चीज कहाँ पे है आज के जमाने में, तो आप बेसिक अगर देख देख के भी करोगे ना, आपकी 30 अभी भी आ जाएगी, और आपको 35 प्लस ही चाहिए, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने। आप दिन का भी अगर एक पैसेज लिख रहे हो ना देख के, तो आपकी नेचुरली स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप आराम से 40 प्लस आराम से स्पीड मेंटेन कर पाओगे, कोई भगदड़ की बात नहीं है। तो आप वो मत सीखने लगना प्रोफेशनल वाली, उसमें बहुत टाइम लगता है और दिमाग भी खराब होता है, मेरे से तो नहीं सीखी गई बट मुझे सारी चीज पता होती है, तो आदत पड़ जाती है, प्रोफेशनली बट आपके क्वालिफाई हो जाएगा पेपर।
आप टाइपराइटर नहीं बन रहे हो, आप इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ही नहीं है कि प्रोफेशनली चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ की, देखो अब लास्ट ईयर वैकेंसी काफी ज्यादा थी तो उसकी कट ऑफ इतनी एलिजिबल नहीं रहती, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 36,000 वैकेंसीज थी, इस बार 7,500 है। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, 7,500 तो बहुत फर्क पड़ता है वैकेंसी से। देखो लास्ट ईयर कट ऑफ ये गई थी 390 में से 213, 192, 242 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 228, 270 यूआर की, बट ये कट ऑफ थी, इसके बाद आप सिलेक्शन नहीं हो रहे। तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर हम बात करें पीएएससी वाली, यानी कि जो कुछ भी मिला है, मतलब बच्चे को कुछ भी मिला, वो थी 291, 390 में से 281 आपकी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 285, 390 में से है सारी। ठीक है, आप देख सकते हो 258 एससी और 238 आपकी एसटी। बट अगर हम बात करें 4200 या 4600 की, जो बच्चों को चाहिए होती है, उसकी लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी 390 में से, तो आप देख सकते हैं 390 में से 321, ऑल्दो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है क्योंकि मार्क्स बड़े भी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन गलत थे तो नंबर मिले थे ऐसे, जैसे मेरे एक दोस्त के 298 बन रहे थे तो उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद 311-12 हो गए थे, तो 12-14 नंबर बड़े भी थे, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। तो किसी का अगर 310 नंबर था तो उसी के 321 हो गए बढ़ के, ऐसा मान। ठीक है, तो 315 ओबीसी के लिए, 316 एससी एसटी के, 296 और 286 रिस्पेक्टिव। ठीक है, ऑल्दो ये डिपेंड नहीं करता है कि इस बार इतनी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी कम है, पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा, इजी आएगी कट ऑफ ऊपर जाएगी, पेपर टफ आ गया कट ऑफ नीचे आएगी। ठीक है, अगर हम वैकेंसी ट्रेंड देखें तो इस बार 7,500 है, लास्ट ईयर जो मैंने अभी कट ऑफ दिखाई उसमें देखो कितनी सारी वैकेंसीज थी, 37,000, इसमें ऑल्दो बहुत सारी पीएससी वाली थी, 25,000 तो उसकी वो नहीं है, बट 7,500 इस बार वैकेंसीज है, बट क्वालिटी वैकेंसीज है, मतलब कि 4200-4600 है, प्लस जैसे दिल्ली नॉर्दर्न रीजन में होती है ना कम होती है, इस बार अच्छी खासी है, इस बार से ज्यादा वैकेंसीज है नॉर्दर्न रीजन की 2023 में। ठीक है, आप 21 की कट ऑफ देख सकते हो, थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा परसेंटेज की बेस पे, पैटर्न लगता है उस टाइम। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की कट ऑफ, देखो ये गई थी आपकी, ये इतनी, ये उसके लिए सीपीटी वाली पोस्टों के लिए। ठीक है, तो जो आपके 60 में से आपको मिनिमम इतने नंबर लाने थे ताकि आप ये जो मिलते हैं ना CSS, GST, इनकम टैक्स, इनके लिए एलिजिबल होगा। तो इसलिए देखो, तो इसलिए 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आपके सही होने चाहिए, और बाकी कैटेगरी में 8, 8, 7, 7 आउट ऑफ 20, तो ये डुएबल है, इतना टफ पेपर नहीं आता, तो इसलिए कंप्यूटर पढ़ के चलना स्टार्टिंग से। और ये आपकी एरर वाला था, तो इसमें आपका 1-2% एरर हो आराम से करना, ज़्यादा वो नहीं है, मेरा 1.25% एरर आया था इस बार 22 वाले में, तो आप आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इसका कोई भड़क लेना नहीं, बस बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ठीक है, आप देखो ये बात करते हैं हम टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चन आए सीजीएल मेंस में 2022 के। तो देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर लिया गया है। देखो कोडिंग डिकोडिंग के 2, ओड वन आउट, जब स्क्रीनशॉट ले लो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है यार ये चैप्टर से क्वेश्चन आते ही है, तो मैं इनके सारे कर लूँ। ऑल्दो रीजनिंग में इतना हेल्प नहीं मिलेगा आपको, बाकी सब्जेक्ट्स में मिलेगा, बाकी सेक्शंस में मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग में सबको पता है एक एक दो दो क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप देख लेना। आप मॉक्स देना, सेक्शन मॉक्स देना रीजनिंग को पर्टिकुलर टारगेट करने के लिए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना कि सिलेबस करना है मुझे रीजनिंग का, सिलेबस कुछ नहीं होता आपको। ये लेट्स से ये चैप्टर वीक लग रहा है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लो और उसके टॉपिक टेस्ट दे दो, टेस्ट बुक या ओनली जहां से भी आप दे दो। ठीक है, इसके सेक्शन टेस्ट और चैप्टर टेस्ट दे दो मेंस के, बस ये आपका रीजनिंग टारगेट हो जाएगा। और भाई ट्राई करना 28 से 29 तो कम से कम सही करनी, क्योंकि स्कोरिंग है, जीके किसी के हाथ में नहीं होती बट बाकी 3 सेक्शन हाथ में होते हैं आपके। अब आती है क्वांट, तो आप ये देख सकते हैं ये CGL 2022 मेंस में टॉपिक वाइज क्वांट के चैप्टर्स हैं, कि 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से थे, 3 मेंसुरेशन से थे, देखो 6 क्वेश्चन आपके ओवरऑल ज्योमेट्री से आ गए, डुएबल होता है, थोड़ा सा मेहनत इन पे मार के जाना। आपके ट्रिग्नोमेट्री पे हाइट एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम में भी वो डिविजिबल रूल होता है ना उससे क्वेश्चन था, तो आप टारगेट करो प्रीवियस ईयर देख रहे हो तो ये भी देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम पूछ रहा है, बट बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम में, काउंटिंग, जीरो, यूनिट, डिजिट, ब्ला ब्ला ब्ला, आप देखो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है, चैप्टर में कौन से टॉपिक से, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज थी, के प्लस वन बाई के वाली, के क्यों पूछा हुआ है, इजी इजी क्वेश्चन थे, बट देख के चलो। स्टैटिक्स देखो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के जाना भाई, ये चैप्टर एडिशनल है और प्रोबेबिलिटी आपके एडिशनल है, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, डुएबल है, बट छोड़ के मत जाना यार, ये 2 चैप्टर आपको नए पढ़ने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इजी आ रहा है, कर लोगे आप, ज्यादा टफ नहीं आएंगे इनसे क्वेश्चन, क्योंकि नए इंट्रोड्यूस हुए। फिर सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन जो सीजीएल प्री में आता है वही बस क्वेश्चन है, वहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं, आपके 30 आ रहे हैं, जिसमें कि 3-4 क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से आएंगे, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो आप देख सकते हो ये सारे। देन आता है आपका स्टैटिक जीके, या फिर जीके जीके सेक्शन, जीएजीएस सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई करना भाई लास्ट के 6 महीने या फिर, और एडमिट कार्ड पहले के निकलने से पहले करना, जैसे कि सीजीएल अभी 2023 हुआ,
उसमें मेरे में 2021 के दिसंबर के क्वेश्चन थे करंट अफेयर, तो एक करंट अफेयर थोड़ी है यार, ठीक है। तो आप ट्राई करना, जैसे कि अभी मेरे हिसाब से अक्टूबर 2022 से लेके आप मई तक तो करके ही जाना, रट के जाना 23 तक, ये तो रट के ही जाना, इसके बाद के अवॉइड करना, इससे पहले के थोड़े और कर ले, और जुलाई तक खींच लो बस। जुलाई 20 ये मत करना कि आप रिसेंटली पढ़ रहे हो, अक्टूबर के पढ़ रहे हो, नवंबर के पढ़ रहे हो पेपर, अगर अक्टूबर में है तो अगस्त के पढ़ रहे हो मत पढ़ना, ये सब पहले ये वाले टारगेट पहले करना। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टैटिक जीके में क्या होता है, आता तो आता, नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा, तो मतलब जल्दी से 3 नंबर आपको विद इन 10 सेकंड मिल सकते हैं, बट इस 10 सेकंड के लिए आपको बहुत आर्स मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके आपका अगेन बायोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन, पॉलिटी आर्टिकल्स पे फोकस करना, ठीक है, इसमें बहुत यूज होता है आर्टिकल्स, आपके शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, इनसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। हिस्ट्री थोड़ा सा अगेन डेट्स पे थोड़ा फोकस करना, और डेट्स ईयर वाइज नहीं, अब थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाना, जैसे कि 31 जुलाई अभी ऑप्शन आए थे 31, जैसे 1947 है तो 31 जुलाई 31 अगस्त ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो थोड़ा सा इन पे भी फोकस कर लेना। अब सिर्फ ईयर नहीं, डेट से भी थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा आपको। ज्योग्राफी अगेन नेशनल पार्क्स वगैरह रीड कर लेना, सोइल, और आपका फिजिक्स यूनिट्स, आपकी इंस्ट्रूमेंट्स किसने डिस्कवर करे, ये इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस आपके 1-2, केमिस्ट्री से भी थोड़ा कम आता है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा आपको रह जाता है। इसके लिए अगेन आप अपने नोट्स या मेरे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, प्लस आपका टॉपिक टेस्ट या कोई भी बुक आप जिसको रेफर कर रहे हैं, नई चीज़ें मत उठा, अगर आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं अपने ही पढ़ना, मेरे मत ले, सिंपल। अब आता है इंग्लिश, तो बहुत स्कोरिंग है, 45 क्वेश्चन आते हैं 135 नंबर के, और बहुत ड्यूएबल है 135 में से 135, मेरे 120 कुछ आए थे, 2-3 सिली मिस्टेक हुई थी, बट आप कर सकते हो। मेरे मैथ में 86 थे, 90 में से एक क्वेश्चन थे टुच्चा सा गलत हुआ था, वरना 90 में से 90 होते। अब देखो पैसेज 12 फॉलो करो अच्छे से, इसमें थोड़ा सा वो याद रख लेना, इस बार ना वो पूछ रहे हैं कि इसमें पैसेज की थीम क्या है, नैरेटिव है, 3-4 अलग अलग होते हैं, प्रॉब्लमेटिक है, मतलब अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो थीम पूछ रहे थे, थीम क्या है, लाइक जो कुछ तो पूछता है, नैरेटिव है अपना, जो उनकी भी होती है थीम्स, आप देख लेना कैसे पूछा जाता है। पैरा जंबल्स में थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब कि पहले आते हैं ना एक एक लाइन लिखी होती थी, अब आ रहे हैं डेढ़ डेढ़ लाइन का एक, वो चारों को अरेंज करना, तो अच्छा खासा टाइम मांग रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिव, इन पे इनको गलती बिल्कुल भी मत करना, एरर वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट 13 आपके ये हो गए, 22 आपके ये हो गए, फिर आपकी आती है वोकैबुलरी 10, ठीक है, इन पे भी फोकस करते रहना। तो ओवरऑल 45 में से भाई 45 अटेम्प्ट करना मेरे हिसाब से, 1-2 छोड़ सकते हो अगर ऊपर नीचे आ गए, मतलब 40 प्लस तो सही करके आना, ठीक है, 40 प्लस यानी कि आपकी 120 नंबर तो आनी चाहिए भाई, है ना, मेरे जितने तो लाना, ठीक है। ये इंग्लिश आपको पता है, एक ही बुक फॉलो करना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ज़्यादा जरूरत मत मांगना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 प्लस, आप अगर वो होते ना एक उठा रहे हो एरर स्पोर्टिंग के, बट आप देख रहे हो इतने आते नहीं, तो इससे बढ़िया आप सेक्शनल टेस्ट दो, कोई होता है एरर स्पोर्टिंग करता रहता है, ग्रामर मतलब एरर स्पोर्टिंग नहीं होती, सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 45 पे, बाकी चीज़ें भी करनी होती है, आप पैसेज की प्रैक्टिस करते भी नहीं होगी, मुझे पता है PQRS की प्रैक्टिस करोगे भी नहीं, बट देखो कितना आ रहा है, 3 गुना आ रही है, ठीक है, एरर स्पोर्टिंग मत करो, नीतू सिंह बहुत है एरर स्पोर्टिंग के लिए। उसके बाद आप सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश के, रोज के 2 दे दो, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश के, चाहे आप प्री के दो मेंस के दो, क्योंकि ठीक ही है, इतना फर्क नहीं है ज़्यादा, आप प्री मेन दोनों को देना अच्छे से, ज्यादा हो तो CPO के भी देना, वहाँ 50 क्वेश्चन आते हैं या 45 आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब आती है आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना, देखो स्टिक टू बेसिक्स, जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं आएंगी मेंस में, नई ट्रिक्स मेथड्स में मत जाना, वो टीचर आएंगे अभी ये कर लो वो कर लो, मत करना, आप अपने जो बेसिक नोट्स हैं अपने किसी जिससे भी पढ़ रहे थे ना प्री के लिए, उसी को मेंस में फॉलो करो, बार बार रटो उस चीजों को, ताकि उनसे अगर आ रहा है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। फॉलो योर नोट्स, पर्टिकुलर बुक्स फॉलो करो जो टॉपर्स करते हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इंग्लिश के लिए होगी, आपके टेस्ट बुक के मॉक्स हो गए, जनरली टेस्ट बुक से देते हैं, जहाँ भी आप देते होंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर मेंस के इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है मैथ अच्छा आएगा, थोड़ा सा टफ नहीं थोड़ा सा अच्छा आएगा, कैलकुलेटिव और जैव क्वेश्चन मान लो 2022 वाले में टुच्चा था, इस बार अच्छा आएगा, तो आप मेंस के क्वेश्चन कर लेना। इसके लिए मैंने उसकी वो खरीदी हुई थी गगन प्रताप सर की, सिर्फ एक मेंस की बुक आती है, उसमें सिर्फ मेंस मेंस के क्वेश्चन और सॉल्यूशन होते हैं चैप्टर वाइज, वो फॉलो करी थी मैंने, आप देख सकते हो अगर आपको करनी है नहीं, और ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत देखना कि ये कितनी जाएगी कितनी जाएगी, जब पेपर ही नहीं हुआ तो कट ऑफ कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, हंसी आ गई। अब अदर जो कर रहे हो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी पेपर से पहले,
पेपर हुआ नहीं है पता नहीं कैसे, तो आप अनअटेनेबल टारगेट मत रखना कि मुझे 360 लाने 390 में से, चाहे आपके अभी 240 आ रहे हैं, ये जंप एकदम नहीं होगा, 240 से 255 होगा, फिर 270 होगा, धीरे धीरे होगा, प्रोसेस होता है। और अगर मैं बात करूं पेपर अक्टूबर में होगा या उसके बाद ही होगा, पहले नहीं होगा, 60 दिन तो आप लेके चलो, अगस्त अभी स्टार्ट हुई है, सितंबर ठीक है, तो सितंबर से तो नहीं है, अक्टूबर के आप मिड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी जहां तक मुझे पता है। बाकी आप अभी क्या करना, 3 दिन में एक मॉक देना मेंस का, तो बाकी टाइम आप उसको एनालाइज करके बाकी टाइम ट्राई करो, जो वीक चैप्टर्स हैं आपको लग रहा है यार अभी इस बार फ्री के लिए मैंने जीके ज्यादा नहीं पढ़ी थी, उसको सिलेबस कवर करने में करना, तो अगला 1-1.5-45 दिन आप सिलेबस और वीक पॉइंट्स पूरा कर लो, उसके बाद आप 2 दिन में एक मॉक्स दे देना, और जैसा आपको कंफर्टेबल लगे रोज मॉक्स दे सकते हो मेंस का, बट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मेंस का मॉक दे रहे हो तो उसी दिन एनालिसिस 1-1.5 घंटे बाद, वरना भूल जाओगे कि मैं क्या सोच रहा था, मुझे क्या सोचना चाहिए था उसमें, अगर आप आज पेपर दे रहे हो और कल एनालिसिस कर रहे हो आप भूल जाओगे कि मैंने गलती क्या करी थी, मैं क्या सोच क्या रहा था, बेटर होता है उसी दिन 1-1.5 घंटे के गैप में आप एनालिसिस भी कर लो ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर मत भागना, अपने बेसिक नोट पे तैयारी करो और ट्राई करो कि अपने जो 390 का वो है आपका वो उसमें अच्छा टॉपर्स में आओ, मतलब टॉपर्स भी नहीं, मतलब जैसे 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो आपकी रैंक 50 में आए 100 तक आए, तो इतनी तो आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कोर अभी नहीं बता रहा कितना आना चाहिए, बट डिसेंट धीरे धीरे आप इंप्रूव करो, लेवल भी दिख जाएगा उसमें, परसेंटाइल आती है ना वो देख लिया करो कि कितने बच्चे परसेंटाइल होते हैं, कितने बच्चे मेरे से पीछे हैं, अगर किसी की 99 परसेंटाइल आई यानी कि उसके 99 बच्चों से आगे है, किसी की 95 आई यानी वो 95% जिन्होंने मॉक दिया उससे अच्छे आगे, तो ट्राई करना है कि 90 में कम से कम हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव करो, और आई होप कि आप 99 प्लस परसेंटाइल पे गेन कर पाओ। सो थैंक यू ये वीडियो अगर देखने के लिए, एंड आपको कोई भी क्वेरी आती है कमेंट में बता देना, मैं धीरे धीरे कंटेंट लाते रहूंगा स्टडी का भी और शॉर्टकट उसका भी जो आप पढ़ सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।